अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मोहम्मद सफला खान की तरफ से आज मैं आपको 8614 कोड यानी हमारा एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स का जो है ये असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में बताने लगा हूँ कि किस तरह से अपने अपनी असाइनमेंट सॉल्व करनी है 2022 की। तो ये पहले आपके सामने क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, डिस्क्राइब लेवल्स ऑफ मेजरमेंट बाय गिविंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। नंबर टू पे हमारे पास आ रहा है, एक्सप्लेन कॉमनली यूज वेरिएबल्स इन एजुकेशनल रिसर्च। फिर आ रहा है सपोर्ट योर आंसर्स इन बाय गिवन एग्जांपल्स। फिर है नंबर थ्री पे, डिस्कस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स विद स्पेशल एम्फसाइज ऑन एजुकेशनल रिसर्च। फिर है जी, ड्रॉ अ बार चार्ट एंड एक्सप्लेन इट हाउ इट वर्क फॉर इंटरप्रिटेटिंग डेटा इन एजुकेशनल रिसर्च। फिर आ रहे पांचवा क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मल कर्व, एक्सप्लेन इट्स मेजर बाय गिवन एंड एग्जांपल्स। तो ये आपके सामने जी मैंने रख दिया है 2022 का क्वेश्चन, एक एक करके सॉल्व करूँगा और आपको करके दिखाऊँ कैसे आपने सर्च करना है, कैसे सॉल्व करना है ताकि आप भी ये करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये जैसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब लेवल ऑफ मेजरमेंट बाय गिवन रियल लाइफ एग्जांपल। तो आपने क्या करना है, जो ये बीच में लिखा है ना लेवल ऑफ मेजरमेंट, आपने इसको कॉपी कर लेना है ये देखें, और आपने जाके कर देना है इसको गूगल पे पेस्ट ऐसे, ठीक है जी। अब आपने देखना है कि ये हमारे पास खुट्टा क्या है। तो आपने पहले ही क्या करना है, पहले हम यही लिखेंगे जो कि डेफिनेशन ऑफ लेवल ऑफ मेजरमेंट है। तो आपने इसको ये कॉपी कर लिया और आपने जाके कर दिया इसको अपनी जगह पे ऐसे पेस्ट, ये देखें अब ये आ गया जी आपका लेवल ऑफ मेजरमेंट। और ऊपर आपने क्या करना है, आपने एक ये ऐसे करके कॉपी करके यहाँ पे जी मैं बताऊँ तो ये ऐसे करके ऐसे लिखना है, तो ये आपका हाईलाइट हो जाएगा लेवल ऑफ मेजरमेंट। और इसको हमने करना है फिर बोल्ड, ये देखिए अब ये कैसे हो गया। अब इसको हटाने का क्या तरीका है, अब यहाँ पे गए और इसे गायब कर दिया और आपने कलर चूज़ किया जी ब्लैक। अब देखें ये बिल्कुल जो है वह सेम लग रहा है कि ये सेम ही जैसे था। इसी तरह आपने यहाँ आना है, आपने इधर जाना है और इसको गायब करना है और ये दबा देना है, ये देखिए ये आपका जी हो गया लेवल ऑफ मेजरमेंट। अब जी वो जी कह रहा है जी डिस्क्राइब द लेवल ऑफ मेजरमेंट, अब उसने कहा रियल एग्ज़ाम्पल। अब हम इसके बाद इसकी रियल एग्जांपल को भी, रियल एग्जांपल्स को भी कॉपी करेंगे और फिर से हम जाएंगे अपने गूगल्स की तरफ और यहाँ पे लिख देंगे एग्जांपल्स। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा जी एग्जांपल्स, तो हम इस वेबसाइट को देखते हैं। तो ये एक हमारे पास रियल एग्जांपल आ रही है, देखते हैं जी के इसकी एग्जांपल्स हमें क्या मिलती हैं कि एग्जांपल्स ये सबकी देनी पड़ेंगी। तो हमें कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं, तो देखते हैं ये देखिए जी ऑर्डिनल की, नॉमिनल की और सबकी जो है यहाँ पे ना एग्जांपल्स जो है ना नज़र आ रही हैं। तो हम देखते हैं ये सबकी एग्जांपल्स जो है यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो फिर हमने वही सिलसिला करना है और वो हमने ये करना है कि हम जाएंगे जी
क्योंकि एग्जांपल्स की बात हुई है तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे जाके कर देते हैं पेस्ट। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रियल एग्जांपल्स के साथ एक और हेडिंग देंगे, ऐसे करके ऐसे बोल्ड करना है और यहाँ लिखना है जी रियल एग्जाम रियल लाइफ एग्जांपल्स। ठीक है जी, और इसे करना है अपने सेफ। आगे जी हम चलते हैं, इसको आगे देखते हैं तो नीचे वो एग्जांपल्स दे रहा है, तो ये आपने यूं ही जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करना है और इसे कॉपी कर लें और इसे पेस्ट कर लें, फिर बैक पे जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर हम देखते हैं आगे ये और एग्जांपल्स नीचे आ रही हैं। तो हम लेंगे जी एग्जांपल यहाँ से लेंगे एक और नॉमिनल की, तो रेशो की और ये सारी एग्जांपल्स यहाँ तक ले लेंगे। अब इसे करेंगे कॉपी और इसे करेंगे जी यहाँ जाके जी पेस्ट। ठीक हो गया। अब हमारे पास नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल और रेशियो स्केल्स की विद एग्जांपल्स के साथ जो है ये पूरा आ रहा है। तो अब हम देखेंगे ये हमारे वर्ड्स कितने हैं। हमारे वर्ड्स जो हैं वो तकरीबन कंप्लीट हैं, लेकिन अभी भी हमें जो कमी पेशी लग रही है वो ये लग रही है, तो हम इसको ठीक करते हैं। सबसे पहले जी वही वाली चीज़ बदला और इसका कलर का कलर हमने बदल दिया, ये देखें डिग्री शिग्री है, इसको भी हमने थोड़ा सा चेंज करना है ताकि ये भी थोड़ा सा सही हो जाए, ये देखें, ये देखें बिल्कुल सही हो रहा है। आगे हम देखेंगे जी कि हमें और कितना चाहिए थोड़ा सा, फिर हम थोड़ी सी एग्जांपल देख लें, सम और एग्जांपल देख लेते हैं जी। जैसे कि ये डीवी हैं, इनको भी हम कॉपी कर लेते हैं और जाके पेस्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। और हम देखते हैं जी, बस नहीं काफ़ी है, ठीक है। इंटरवल का भी देख लेते हैं, तो ये है जी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंटरवल को भी देख लेते हैं हम, तो ये भी हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, ये हम गए और ये हमने पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। आगे जी आगे 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 फिर हम जाते हैं वेबसाइट पे और देखते हैं जी हमारे ज़रूरत किस लिए कुछ है। तो यहाँ भी हमें कुछ एग्जांपल्स मिल रही हैं रेशो स्केल के हिसाब से, रेशो स्केल जैसे ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको भी हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है और हमने जाके कर लेना है इधर पेस्ट। ये हमारे पास एक और एग्जांपल्स आ गई। ठीक आ गया। अब हम फिर से चलते हैं जी अपनी
वेबसाइट की तरफ देखते हैं। तो जी नहीं, बस काफ़ी है ये हमारे लिए एग्ज़ाम्पल्स। अब जो हमने करना है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वो है जी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रेफरेंसेस। जो रेफरेंसेस देना होते हैं बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने इसके लिए क्या करना है, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आपने लिखने लेवल ऑफ मेजरमेंट को फिर आपने कॉपी करना है, और आपने जाना है जी इस जगह पर वापसी की तरफ। और अब आपने लिखना है जी रेफरेंसेस, रेफरेंस जैसे लिखा है। अब देखें मैं क्या करता हूँ, मैं रेफरेंस पे पहुँच गया। हम चलते हैं जी विकीपीडिया की तरफ। विकीपीडिया का फ़ायदा ये होता है कि आपको नीचे जो है रेफरेंसेस मिल जाती है। देखिए कितने सारे रेफरेंसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, ये रेफरेंसेस कॉपी करना शुरू कर देंगे। ये कॉपी किया, ये हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। फिर हमने अगला रेफरेंस देखते हैं हम। ये देखें, ये हमने कॉपी किया और ये हमने पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अगला जी फिर देखते हैं हम। ये देखें, फिर हम रेफरेंस कॉपी कर रहे हैं और ये हमने पेस्ट कर दिया। फिर हमने फिर हम गए, फिर हमने ये कॉपी किया और फिर हमने ये पेस्ट कर दिया। फिर हमने को यहाँ से उठा लेते हैं। ये देखें और इसे कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। एक मिनट, टी मिस हो गया तो हम टी लिख लेते हैं। फिर से हम चलते हैं। ये देखें, और हम करते हैं इसे भी पेस्ट। फिर हम यहाँ चलते हैं और अब की बार हम देखते हैं जी ये एक और, इसे भी किया कॉपी और इसे हमने कर दिया जी पेस्ट। तो ये हमने तकरीबन 1 2 3 4 5 6 जो हैं ये मिनिमम जो है हमने कर दिए हैं, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। तो हम इसको पहले चेंज करेंगे, इसका साइज़ स्टाइल, फिर इसका फॉन्ट चेंज करेंगे और फिर इसका कलर चेंज करेंगे और फिर जो ये देखें, और अब इनको हम नंबरिंग करेंगे। ये देखें नंबरिंग हो रही है, ये रेफरेंस को मैं करने का एक तरीका होता है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये देखें, ये देखें, तो ये और इनके दरमियान फिर आप एक एक स्पेस डाल दें। ये देखें, तो आपने ये देखा कि हमारा जो पहला सवाल है ये जो है ये हमने डिस्क्राइब लेवल ऑफ मेजरमेंट बाय गिवन रियल लाइफ एग्जांपल्स को जो है हमने किस तरह से सॉल्व किया है। तो ये आप ऑनलाइन जो है
वेबसाइट्स की मदद से सिंपली आपने कॉपी पेस्ट करना है और इजीली सारा ये देखें हमारे जो 1271 वर्ड्स जो हैं ये पूरे हो रहे हैं। तो हम अपने अहेड हैं, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपने 8614 कोड को पूरा करते हुए एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स को, तो अगला सवाल हमारा है एक्सप्लेन कॉमनली यूज वेरिएबल्स इन एजुकेशनल रिसर्च, सपोर्ट योर आंसर बाय गिवन एग्जांपल। चलें जी, अब फिर से वही वाला सिलसिला शुरू करना है। तो हमने यानी एक्सप्लेन कॉमनली एंड यूज वेरिएबल्स इन एजुकेशन, हम यहाँ लिखेंगे यूज वेरिएबल इन रिसर्च, इसे हम कॉपी करेंगे और अब वहीं जाएंगे और बैक करेंगे और इसको हम यहाँ पे काटेंगे और पेस्ट करेंगे और आगे हम लिखेंगे जी स्टैटिस्टिक्स। ये देखिए, अब हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का। ये पहला आपका जो है वेबसाइट आ रही है, इसको चेक करते हैं। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ ताकि आप भी ज़िंदगी में कैसे असाइनमेंट बनाएं। तो हमने ओके किया, अब ये वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे वेरिएबल्स के बारे में लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले वेरिएबल्स और थोड़ा सा जो है उसका बैकग्राउंड देंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे ये सारा कॉपी करेंगे यहाँ तक, ताकि फिर हमारे पास जब एग्जांपल्स हैं तो हम उसको कर सकें। ये यहाँ तक हमने कॉपी किया, इसे कॉपी किया, अब हम गए और हमने कर दिया जी पेस्ट। ये देखें, पहले हमने बता दिया जी वेरिएबल्स होते क्या हैं। आगे हम लिख देते हैं खुद से वेरिएबल यूज्ड इन एजुकेशनल रिसर्च। तो ये मैं आपको एक ट्रिक भी दे रहा हूँ कि आप इस तरह से जो है ये आप जो है इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं और इसको खुद ही जो है आप घर में बैठ के कर सकते हैं सॉल्व। अब जी वही वाली चीज़, अब हमने एक बार फिर से चेक करनी है कि लकीर ना आए और कलर इसका बदल जाए। ये देखें, अब ये देखें जी बदल गए, ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक है तो हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखें, ये हो गया, हमने इसे कर देना सेव। आगे वो हमसे पूछ रहा है, क्या वो पूछता है? वो पूछता है जी सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल्स। तो हम चलते हैं फिर से वेबसाइट की तरफ और हम यहाँ ढूंढते हैं क्या एग्जांपल्स दी गई हैं। तो जी एग्जांपल्स अगर हम देखें, इसे बेहतर ये हम पीछे यहाँ पे लिखते हैं बल्कि सर्च करते हैं 10 वेरिएबल्स विद एग्जांपल्स। देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स मिल रही हैं तो हम लिखते हैं पहली जी एग्जांपल, ये हम देते हैं जी एग्जांपल देते हैं जी टाइम एंड ग्रेड का। तो हमने एग्जांपल दे दी टाइम एंड ग्रेड की, लेकिन पहले हमने यहाँ लिखना है जी, हम यहाँ लिखेंगे वेरिएबल्स, हम यहाँ लिखेंगे एग्जांपल्स, इसे करेंगे कॉपी और इधर जाके करेंगे इसको पेस्ट। एग्जाम्पल्स क्योंकि हम हेडिंग बना रहे हैं तो ज़रा सा हो जाता है 19-20 का। तो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर हम लिखेंगे जी इन एजुकेशनल रिसर्च कॉपी, ये हमने कर लिया।
commonly used ये देखिए, फिर हमने इसे बोल्ड करना है और इसको जो हमने जी सेव करना है। अगर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपनी वापस वेबसाइट की, तो हम ये एग्जांपल जो कॉपी करके पेस्ट करते हैं। ये हो गया, एक इसकी डॉग की एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि सवाल में उसने कहा है एग्जांपल्स। और एक और एग्जांपल को हमने उठाया और उसको जो है हमने ये यहाँ पे पेस्ट करेंगे। चलिए आगे एक और एग्जांपल, एज की और वेट की, सी कॉपी, ये किया जी पेस्ट। ये किया जी कॉपी, ये किया जी पेस्ट। थोड़ी सा मिस्टेक हो गई, फिर हम यहाँ पे जाएंगे, एंटर करेंगे और पेस्ट करेंगे। ये देखिए, तो हमने इसे टेक दो तीन एग्जांपल्स तो दे दिए। तो हमें यहाँ से इतनी एग्जांपल्स मिली हैं। अब हम चलते हैं वापस, वेरिएबल्स की एग्जांपल मिल जाएं। तो जी ये लिखी हुई हैं एग्जाम्पल्स हैं, तो फिर से हम इन्हें अब कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे जाके इसे करते हैं पेस्ट। अब देखें क्या होता है। ये देखें, और इनका जो कलर है इसको भी हमने ठीक करना है ब्लैक में, और डेटा ये भी ठीक है। अब हम चेक करते हैं हमारी लव्स पूरे हुए कि नहीं। जी अब हमारे लव्स पूरे हो गए हैं और अब हम चलेंगे रेफरेंसेस की तरफ। ये हम जलते विकिपीडिया पे फिर से। अब हम इधर देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो ये नहीं, हमें कुछ रेफरेंसेस मिल गए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम रेफरेंसेस ऐसे लेंगे। ये देखिए यूं इसको की कॉपी और हमने कर दिया जी यहाँ जाके जी पेस्ट, ठीक हो गया। अगला हम लेंगे, इसको किया हमने कॉपी और यहाँ कर दिया जी पेस्ट। इसको किया हमने कॉपी और इसको कर दिया हमने यहाँ जाके पेस्ट, ठीक हो गया। फिर हमने किया इसको कॉपी और यहाँ पे हम जाके इसे कर देंगे पेस्ट। ये देखिए,
और ले लेते हैं, ऊपर वाला भी ले लेते हैं, ये देखें जी, इसे क्या हमने कॉपी और यहाँ पे आ कर दिया पेस्ट। अब हम इसका फॉन्ट और इसके इसको चेंज करते हैं, इसके कलर्स को, यहाँ पे किया, यहाँ पे गए, इसकी ये बदली और इसका कलर हमने चेंज किया और इसे छोटा किया और इसके जितने भी हाई लाइन्स थे जैसे कि अब देखें, ये देखें वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव, ये हमारे जी रेफरेंसेस आ गए। आपको इसमें किसी की ज़रूरत नहीं, बस आपने खुद अगर आप ये करने लग गए तो आपको जो है असाइनमेंट बनाने की टिप्स और तरीके आ जाएंगे। बस अब ये देखिए और इसे आपने कर देने सेव। आगे हम चलते हैं और हम पहले देख लेते हैं, अपने वर्ड्स को चेक कर लेते हैं एक बार फिर। तो ये हमारे वर्ड्स पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चलते हैं आगे। आगे जी क्वेश्चन नंबर थ्री, डिस्कस नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक्स विद स्पेशल एम्फसाइज ऑन एजुकेशनल रिसर्च। जी तो इसके लिए सबसे पहले जी आपने क्या करना है, हमने करना है जी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक्स को कॉपी करना है और फिर जाना है गूगल पे और इधर आपने सर्च कर देनी है ए एस ए। पहले हम लिखेंगे इसके बारे में, तो ये हमारे सामने आ रहा है, तो आपने इसे कॉपी पेस्ट करना है। ये देखें ये किया, इसे किया हमने कॉपी और इधर जाके हमने कर दिया जी पेस्ट, ये आ गया जी। और ऊपर हमने दे दिया जी एक टाइटल, वो किस तरह है, वो इस तरह, कॉपी और पेस्ट और इसको हमने किया बोल्ड और हमने इसे एंटर किया। तो ये देखिए अब ये बन गया और इधर हमने जी इसको कलर्स इसके चेंज करने हैं, तो जी हम यहाँ गए, यहाँ गए, इसे हमने ये किया और ये दबा दिया। अब देखिए ये बिल्कुल ठीक हो गया और इसे हमने कर दिया जी सेव। अच्छा जी, अब वो हमारी जो नीचे उसने दिया है कहा है कि इसकी किस्में एग्जांपल्स दें, तो वो हमारे सामने आ रही हैं। कॉपी इमेज लिखा हुआ है तो इमेज को कॉपी किया और इधर हमने कर दिया जी पेस्ट। ये देखिए जो पीछे हमने इमेज कॉपी किया था वो इधर होके आ गया पेस्ट, ताकि हम समझा सकें। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे विद एग्जांपल्स ही आ रहे हैं तो हमारे लिए काम बहुत ही आसान हो गया। हमने एक उठाना है, ये उठाया, इसे कॉपी और इधर नीचे जाके कर दिया जी पेस्ट। ठीक है जी, फिर हमने क्या दिखाना है, हमने लिखना है जी इसकी एग्जांपल क्या होती है, जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो हमने एग्जांपल भी कॉपी की और इधर कर दिया जी पेस्ट। ठीक हो गया। अगला देखते हैं हम, ये देखें ये तो बड़ा इजी है, ये देखें कॉपी किया और किया जी पेस्ट। ये देखें आसान और सिंपल तरीके से।
फेंकी है कॉपी और फिर किया जी पेस्ट। ये जी किया हमने जी कॉपी और हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब ये हमारे पास हर एक की चार की एग्जांपल्स भी आ गई हैं। तो अब हमने इनको फिर से जो है वो इसकी फॉन्ट चेंज करना है। तो ये देखें ऐसे फॉन्ट के यहाँ के भी निशान है वो भी गए और ये कलर भी चेंज हो गया और हम बाकी इसकी थोड़ी थोड़ी एडिटिंग भी कर लेंगे। ये देखें और इसे किया है आपने जी सेफ। इसे यहाँ से देख लें ये हो गया सी। अब हम एक बार देख लेते हैं कितने वर्ड्स हमारे हुए हैं। तो वर्ड्स हमारे थोड़े से कम हैं तो हमें इसका मतलब और जो है वो डिटेल की ज़रूरत है। तो और एग्जांपल्स के और वेबसाइट्स को देखते हैं। देखें क्या आता है यार वेबसाइट। और वेबसाइट खोल लेते हैं। और खुल गई वेबसाइट। इधर से हम ये थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। ये देखो इस तरह से आपके वर्ड्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ये एक तरीका होता है। ये देखो ठीक हो गया। इसे आपने कर लिया जी सेफ। यहाँ पे रेफरेंसेस भी मिल गए हैं तो हम बिला झिझक इनको भी कॉपी कर लेते हैं और ले जाते हैं इधर नीचे रेफरेंसेस में और इधर कर देते हैं पेस्ट। अब देखिए इनको हम दे देते हैं 1। इसको हमने कह दिया जी 2। इसको हमने कह दिया जी 3। तो वो यूं हो जाता है। ये देखिए ये 3 हमारे पास रेफरेंसेस भी इधर से ही आ ही गए इसी उसमें। हम चौथे रेफरेंस को ढूंढते हैं वो है जी इसके लिए हम कोई और वेबसाइट देखेंगे। शायद हमें मिल जाए। इधर नहीं है तो हमें फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा जी रेफरेंसेस। ये नीचे आ रहा है तो देखते हैं।
इधर ही ओपन नहीं हो रहा है गैस, कोई पीडीएफ पकड़ लेते हैं। ये देखिए पीडीएफ हमने एक उठा लिया, डाउनलोड कर रहे हैं हम। ये देखिए डाउनलोड हुआ हमारे सामने। तो अब हम नीचे सबसे पहले गए, इधर हमने ये एक और एक रेफरेंस ले लिया और यहाँ पे कर दिया जी पेस्ट। ये पेस्ट हो गया। अगला रेफरेंस लेते हैं, ये उठाया और जी ये कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया जी पेस्ट। अगला रेफरेंस देते हैं, यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया जी पेस्ट। तो जी हमारे यहाँ पे पूरे रेफरेंसेस हो गए। अब हम इसको ठीक करेंगे। ये देखें किस तरह करता हूँ, ये जाऊँगा, ये दबाऊँगा और पहले तो ये सही करना और फिर कलर। अब देखें अब ये रेफरेंस ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 4। हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये है ड्रॉ अ बार चार्ट एंड एक्सप्लेन इट हाउ इट वर्क फॉर इंटरप्रिटेटिंग डेटा इन एजुकेशनल रिसर्च। ड्रॉ और बार चार्ट से पहले हमें पता चल गया हमने क्या करना है। बार चार्ट के बारे में हमने एक थोड़ा सा लिखना है, तो इसके लिए हम नीचे बार चार्ट लिखेंगे और उसको हम पहले कर देंगे हाईलाइट। ये देखें अब देखिए हम करते क्या हैं, बार चार्ट एंड स्टैटिस्टिक्स। कोई भी बार चार्ट खोल लिया हमने और इसके बारे में ये जी बार चार्ट का एक आपके सामने बना हुआ है। तो हमारे पास हर चीज़ आ गई है। पहले हमने लिखा कॉपी करने बार चार्ट के बारे में, ये हम कर लेंगे, ये हम करेंगे जी। एक बार पढ़ लेना चाहिए कहाँ तक है, वेरिएबल तक, ठीक है गेस। ये देखिए ये हम कर लेंगे कॉपी और ये हम ला जाएंगे इधर और इसे कर देंगे हम पेस्ट। ठीक हो गया, कर लेंगे सेव। फिर हम वापस जाएंगे और अब हमें जो उसने पहले बल्कि हम लिखेंगे, अब हमने क्या लिखना है, हमें लिखना है बार, फिर हम लिखेंगे फिर से कॉपी और इधर लिखेंगे पेस्ट। बार चार्ट हमने लफ्ज़ लिख लिया, फिर हमने लिखना है, हमने लिखना है बाय बाय ड्राइंग। बाय ड्राइंग क्या है कि ड्राइंग हमें लिखना है वी एक्सप्लेन, हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन इट हाउ इट How it work in educational research। ये देखें ये किया, यहाँ से आपने ये किया, इसे हाईलाइट किया, इसको आपने बोल्ड किया, इसके बाद आपने लिखा है ये। अब इन्हें लगेगा कि ये हम जी इसके बारे में काम करने जा रहे हैं। ये देखें ये इस तरह से ये हमने किया सेफ और अब वापस हम चले गए उसी चार्ट पे, क्योंकि नीचे हमारे पास एक चीज़ बनी हुई थी तो हमने इसका फायदा उठाते हुए ही, क्योंकि हमारे पास पूरे का पूरा जो है ये एक चीज़ मौजूद है पूरी की पूरी,
ये देखें पूरा डिस्प्ले मौजूद है। तो हमने एजुकेशनल रिसर्च के हिसाब से उसे एक्सप्लेन करना है कि ड्रॉ करके तो उसे हमारे पास काफ़ी सारे डायग्राम है, हम एक ये लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं और इसे कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। ये पूरा जी पेस्ट हो गया, एक बार चार्ट हो गया। वह मोर करते हैं और नीचे लिख देते हैं कि इसके बारे में क्या है, ये की कॉपी और ये क्या हमने पेस्ट। आगे जी अगला, ये हम सारा ही साथ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक बिला झिझक ये किया और यहाँ पे कर लिया जी पेस्ट। अच्छा जी, अब ये सारा कुछ आपके सामने पेस्ट हो गया, सारे बार चार्ट अब यहाँ पेस्ट हो गए। बस अब हमने ठीक ठीक इसका करना है, जैसे कि ये चीज़ थी तो हमने इसकी ये हटानी है और इसका कलर बदल देना है। बदला गया ये देखें, ये जेंडर वाला आ रहा है तो इसे हमने सही करना है, ये आ रहा है तो हमने इसे सही करना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बन गया ना, ज़रा मुश्किल भी नहीं पेश है। अच्छा अब हम थोड़ा सा वर्ड फैलाने के लिए, वर्ड ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे क्या करेंगे, बैक पे जाएंगे और कोई और हम देखेंगे वेबसाइट को। तो ये हमें थोड़ा सा और पता चल रहा है इधर, तो हमें यहाँ मज़े की बात ये रेफरेंसेस मिल गए। ये देखें इन्हें किया हमने, यहाँ से इन्हें किया हमने कॉपी और हम चले गए बैक पे। ये देखें रेफरेंसेस में हम गए और यहाँ पे हमने कर दिया जी पेस्ट। ये देखें आसानी से ये हो गया जी पेस्ट। अब हमने इनके कलर बदलने हैं, ये गया ये आया ये आया और हमने इसकी लकीर बदली और हमने कर दिया इसका कलर और इसे हमने कर दिया सेव। ये जी जी बल्कि हम इसे वैसे ही करते हैं जैसे हमने बैक पीछे किया था। ये देखें सेकंड और ये आ गया जी थर्ड। तो ये हमारे रेफरेंसेस आ गए और हमने इसे कर दिया सेव। आगे और रेफरेंसेस को देखने के लिए हम कोई और कर लेते हैं, विकिपीडिया पे ही जाना पड़ेगा। ये जी आ गया हमारे सामने और ये हमें कुछ रेफरेंसेस मिल गए। तो ये जी रेफरेंसेस हमने कॉपी हम करें एक एक करके, ये हो गया। अगला रेफरेंस ये आ गया जी, अगला रेफरेंस ये आ गया। पेस्ट ये जरा ये जी ये हुआ।
फिर हम आ गए, 14 किया, चेंज किया इसकी स्टाइल को, बदला हमने और ये कलर इसका बदल दिया। अब देखिए सेम सेम लग रहा है और इसे कर दिया सेफ। आइए अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मल कर्व और एक्सप्लेन इट्स मेजर्स बाय गिवन एन एग्जांपल। अब हम चलते हैं अंडरस्टैंड नॉर्मल कर्व है। नॉर्मल कर्व हमने किया, इसको हमने किया कॉपी और हमने किया यहाँ पेस्ट और ये किया और इसको किया हमने बोल्ड। ये देखिए अब हम इसके बारे में लिखेंगे। तो सेम हम जाएंगे गूगल पे और इसके बारे में सर्च करते हैं। ये किया क्रॉस, ये किया पेस्ट, ये हमने आ रहा पास आगे। इसकी एक एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए हम ये ले लेते हैं। तो हमने नीचे आ गए, ये लिया और ये नॉर्मल करके हमने एक कॉपी इमेज को किया और हमने यहाँ पे नीचे जाके इसको किया है जी पेस्ट। तो ये नहीं आ रहा, तो हमने इसका बैक साइड पे करना है। हम किसी इसका और वेबसाइट, किसी और वेबसाइट की तरफ जाते हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे बैक और हम किसी और वेबसाइट को देखते हैं, शायद वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये आ रहा है जी एक और एग्ज़ाम्पल के साथ में दे रहे हैं ये। तो यहाँ पे हमने करना है जी एंटर, यहाँ पे करना है जी पेस्ट, आगे हमने जाना है और इसको हमने कॉपी करना है इमेज को और यहाँ पे कर देना है जी पेस्ट। इमेज शो नहीं हो रहा, हमें इधर कट करना पड़ेगा। हम किसी ये एक और आ रहा है जी, हम देखते हैं कॉपी होता है कि नहीं। ये देखिए ये अब कॉपी हो गया। ये जी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और ये नॉर्मल कर्व जो हमारी बनी हुई है, ये मैं आपको दिखा दूँ इसके बारे में, ठीक है। और इसके बारे में जो है हमने ये इसकी कॉपी करते हैं और इसको हम कर देते हैं जी पेस्ट। फिर हम जी करते हैं जी ये हमें नॉर्मल कर्व्स के बारे में बताया जा रहा है, किस्में बताई जा रही है। तो हम ये सारा ही कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बड़ा अच्छा समझाया हुआ है इन्होंने। कॉपी ये हुआ जी पेस्ट, ये देखिए। फिर हम गए, अब हमें इसके बारे में बता रहे कि किस तरह से जी नॉर्मल कर्व बनती है, बड़ी अच्छे तरीके से बताया जा रहा है इधर। तो हम ये सारा ही कॉपी कर लेते हैं तो बड़ा ही अच्छा इन्होंने इस वेबसाइट पे समझाया हुआ है। ये देखें ऊपर तो ऊपर हम ज़रा चले जाएंगे, ये देखें ये हो गई कॉपी और ये हो गया जी पेस्ट। ये देखें ये पूरा आ गया। अब हम चलते हैं कहीं और, थोड़ा सा और भी चीज़ों का पता चल जाए।
ये पिक्चर भी लेते हैं जिसमें वो बता रहा है कि कितनी परसेंटेज पे कितना जो है ये नॉर्मल कर्व जो होती है ये की जाती है। ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट सी तस्वीर है, तो हम इसको लेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इधर कर देंगे पेस्ट। ये देखिए, ये भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट तस्वीर हमें मिल गई है। और हम जो है वो इसको यहाँ से हम उठा लेंगे एक रेफरेंस, जैसे ये नीचे दिया हुआ है, ये देखें जी, ये जी रेफरेंस, इसे हमने कॉपी किया और इसे हमने कर दिया जी पेस्ट। सेव कर दिया और अब हम और को देखते हैं, अरे ये सही नहीं है, चलिए एक और डाउनलोड करते हैं सर्च पेपर और अब की बार देखते हैं, अब की बार देखते हैं कि क्या चीज़ आती है। ये जी ये रेफरेंसेस देखते हैं कि इनका हम जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये क्या सही आते हैं या नहीं आते। ये देखिए हमने की कॉपी की, ये हमने की जी किया जी पेस्ट जी, अब लग रहा है कि ये सही आ जाएगा। इसको हमने फॉन्ट चेंज किया, बराबर पे लेके आए और उसको भी हमने बराबर पे लेके आना है, इसको भी फॉन्ट चेंज करना है, इसको भी उनके बराबर लेके आए जी, ये आ गया, वो हटानी है इसकी और ये ठीक हो गया। अब हमने यूँ करना है, ये लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये तो वही चीज़ आ रही है क्योंकि पहले आ रही थी, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर हम ऐसे करके देखते हैं, ये ऐसे ये देखिए लिखते हैं जी 3, इसको हम लिखते हैं जी 2, ये देखें आखिरकार हमने ठीक कर ही लिया। और इसके बाद ये कहे जी 5 और ये क्या है जी 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी जी 7। अभी हमारे रेफरेंसेस पूरे हो गए, फिर से हम इधर देखेंगे तो हमारा सब कुछ ठीक हुआ है। बस हम एक बार फिर इस पर नज़र डालेंगे अपने पूरे के पूरे, अच्छा हमने यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक करना है, कलर को ब्लैक और ये ठीक हो गया। इधर भी हमने ये करना है ब्लैक और इसको ख़त्म शूट करना है और सेव करना है। इधर भी जहाँ पे आ रहे थे तो इनको भी हम ठीक करेंगे, ये देखें जी ये जी ये देखिए सेफ, इधर ये देखें और ये इसको हम चेंज करेंगे। अब चूँकि टाइम इस तरह का आ गया है तो
अब हम इसको भी छोटा कर देंगे, ये देखिए इक्वल लग रहा है। और हम एक बार फिर चेक करने कितने वर्ड्स हैं हमारे, क्या वर्ड्स पूरे हैं कि नहीं है। तो जी हाँ, हमारे वर्ड्स पूरे हैं और बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं। और यहाँ से हमने एक और चीज़ अपनी कमी पेशी दूर कर दी। ये बात है कि जब आप कोई चीज़ रिव्यू करते हैं तो आपकी कमी पेशियाँ जो हैं वो दूर होती हैं। तो आपके सामने है ये पूरे का पूरा, जो हमने आपके सामने जो है ये 8614 जो हमारा कोर्स कोड था इसका, ये आपके सामने पूरे का पूरा किया है। तो ये तरीका है आपके लिए 8614 कोर्स कोड का जो है असाइनमेंट बनाने का तरीका। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह से आप जो है ये बनाएं और आपको बहुत फ़ायदा होगा अपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 8614 का जो कोर्स कोड है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।